नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। और तस्वीरें हैं वो आप गांव कागदाना की देख रहे हैं, जहां जिला स्तरीय चिंतन मंथन बैठक का आयोजन किया जाएगा। और यहां जो हमारे साथ जुड़ेंगे, अगर सनातन धर्म संस्कृति की बात करेंगे तो महाराज जी यहाँ आए हैं और ये गांव-गांव पूरे देश और प्रदेश में घूमकर इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो गौ सेवा है, गौ सेवा के लिए जो लोगों को आमंत्रण किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, उसको लेकर आज गांव कागदाना में जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी 45 गौशाला है वहां पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ये पूरा क्या मामला है और यहाँ जो आज बैठक की जाएगी उसका क्या एजेंडा रहेगा। नारायण महाराज। नारायण जी, नारायण गुरुदेव, आज आप यहाँ कागदाना की इस गौशाला में पहुंचे हैं, क्या किस तरह की बैठक होगी, क्या बातचीत करने आए हैं? 4 दिसंबर 2012 से पूज्य गुरुदेव एक युवा राष्ट्रीय गो क्रांतिकारी ग्वाल संत ने हल्दीघाटी मेवाड़ राजस्थान से संपूर्ण भारत भ्रमण के लिए 31 वर्ष के लिए 2043 तक के लिए यात्रा आरंभ की है। देश की परिस्थितियों को देखकर यात्रा के विभाजन हुए और एक यात्रा गो चेतना महायात्रा जो हरियाणा में प्रवेश की 4.25 साल पहले, और ये एक संकल्प लेके कि भारत से गो हत्या संपूर्ण रूप से समाप्त की जाए और कठोर कानून बनाया जाए ताकि गाय की हत्या करने वाला उन कानूनों के बारे में सुनकर ही उनकी रूह कांप जाए और गाय माता को राष्ट्र माता का सर्वोच्च सम्मान मिले। इस बात को लेकर 1966 में संत कर्पात्री जी महाराज ने आंदोलन किया, कई संतों के प्राण गए, गौ माता के प्राण गए, असफलता रही। तो अब की बार ऐसी योजना बनाकर कि असफलता का मूल देखना पड़े, पिछली बार जो भी त्रुटियां कमियां जो भी रही है तो उनको मद्देनजर रखते हुए सभी संतों और जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान और देश के सभी गो भक्तों के साथ चिंतन मंथन बैठक करने के बाद में एक ही निर्णय आया है कि अपन इस कार्य को कर नहीं पाएंगे, इस कार्य को करने के लिए दैविक शक्तियों का आह्वान करना पड़ेगा और इसके लिए वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञों का आयोजन किया जाए तो दैविक शक्तियों को प्रबल किया जाए। तो इसलिए दिल्ली के अंदर 22 नवंबर से 26 नवंबर तक विराट गो विश्व स्तरीय पंच दिवसीय भूकुंडात्मक गो भैरव हनुमत महायज्ञ का आयोजन रखा गया है। गो भैरव और हनुमत, क्योंकि कलयुग के ये दो रुद्र देव है, भैरव और हनुमत, यही आसुरी शक्तियों को समाप्त करके सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार का आयोजन होगा और विराट एक गोमा सम्मेलन जिसके अंदर विश्व के जो भी गाय से प्रेम करते हैं और सभी को एक मंच पे लाया जाएगा, चाहे वो राजा हो या वो आम साधारण व्यक्ति हो, चाहे संत हो या कोई ग्वालाई क्यों ना हो, सभी एक मंच पाए, इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा। और पंच दिवसीय गो विज्ञान प्रमाण कथा का आयोजन होगा। उस कथा के माध्यम से जिन भी व्यक्ति को गाय से लेकर कोई समस्या है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो या सिख हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जो गाय का विरोधी है, गाय को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, उसको उसकी भाषा में, जैसे कि पढ़ा लिखा ज्यादा तो विज्ञान की भाषा में प्रमाण दिया जाएगा, शास्त्रों की बातें करेगा तो उनको वेद और शास्त्रों की बातें बताई जाएगी, जो कानून का ज्यादा जानकार है तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो भी जज है वो जुड़े हुए हैं और वकील जुड़े हुए हैं, वो कानून के दायरे में उनको समझाएंगे। उन तीनों से भी नहीं मानेगा तो प्रैक्टिकल में उनको करके दिखाएंगे। तो अर्थात गाय का वो महत्व जो पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए है, उस महत्व को हमें भुला दिया गया है, उसको वापस समाज के सामने 5 दिन की जो गो कथा होगी, विराट गो मा सम्मेलन होगा, उसके अंदर रखा जाएगा। गाय से लेकर किसी को कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान वहां पर कथा के माध्यम से बताकर लोगों के मस्तिष्क में जो एक नेगेटिवता गाय माता के प्रति बनी हुई है कि गाय एक जानवर है, गाय चारा खाती है, बदले में हमें कुछ फायदा नहीं होता, ये गलत सोच है। क्योंकि गाय के नाम पर भी बड़ा धोखा हुआ, गाय के नाम पे जर्सी अमेरिकन रेडियन फ्रीजन होने के कारण हमारी गाय से श्रद्धा टूटी है और गाय से जो होने वाले फायदे हैं उससे हम दूर रहे, क्योंकि उसकी जगह जर्सी को उपयोग में लिया और जर्सी लाभ की जगह नुकसान ही देगी हमें। इस कारण लोगों का गाय के प्रति विश्वास टूटा है, कहीं ना कहीं गौ हत्या को बढ़ावा मिला है। तो इसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन वहां पे किया जाएगा और
गाय के बारे में कि गाय हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी उपयोगी है, विज्ञान धर्म और कानून के प्रमाणों के साथ व्यक्ति को समझाएंगे। निश्चित रूप से व्यक्ति की मानसिकता बदलेगी और गाय की हत्या का विरोध करने के लिए मैदान में उतरेगा। तो इस प्रकार का आयोजन दिल्ली में करने जा रहे हैं और उसी के लिए सिरसा जिले में आए। पिछले 3 साल पहले सिरसा में यात्रा आई थी, गांव गांव में गई थी, तो हर गांव से गो भक्त जुड़े हुए गो चेतना शोध अनुसंधान संघ एक न्यास बनाया गया है, उससे सभी गो भक्त जुड़े हैं। तुम सभी को बुलाकर इस सिरसा जिले की जिम्मेदारी की दिल्ली में होने वाला विराट गो मां सम्मेलन हो रहा है, उसकी व्यवस्था जिम्मेदारियां अपन अपने स्तर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार संभाले और भारत से संपूर्ण रूप से गो हत्या को समाप्त करने के लिए अपने में सामर्थ्य अनुसार उसमें अपनी आहुतियां प्रदान करें। गुरुदेव, अब जो अगर बात करें जो त्रासदी हुई है पानी से, उसमें बहुत सारी गौएं हैं, वो गई हैं, तो उनके लिए भी कोई आप मांग करते हैं शासन प्रशासन से, लोगों से, कि उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनको दोबारा मतलब सेटल किया जाए? देखिए, शासन प्रशासन से मांगे करने पर वो किसी मानने वाले तो है नहीं। देश के अपने प्रधानमंत्री जी संतों के वहां जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप देखना, वो देवताओं के बारे में बोलेंगे, बड़े बड़े मठो आश्रमों पर जाएंगे, गाय के बारे में कभी भी वो गौशाला में गाय के विषय पे बात करने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। अभी गो भक्ति महोत्सव का आयोजन रखा था पिछले वर्ष के दिसंबर में अहमदाबाद में, उस समय मोदी जी वहीं थे और आपके अमित शाह जी वहीं थे, उनको बिल्कुल निमंत्रण देने के लिए गए, मगर पता नहीं मजबूरियां रही, जो भी कारण रहा। तो इन सभी बातों से उनसे ये तो मोटा उदाहरण है जो मोदी जी से मिलने के लिए गए और उनका नहीं आना हुआ। पिछले कई सारे कार्यक्रमों में भी नोट कर रहे हैं कि गाय का जहां पे बड़ा आयोजन होता है उनका नहीं आना होता है। और इस प्रकार से अन्य नेताओं की बात करें तो वो भी इस प्रकार से कहने के गाय की बात आते कहने के 2 कदम पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मन में ये विश्वास हो गया, मन में इस प्रकार का बैठ गया है कि नेताओं से उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी माँ के लिए, हमारी गाय के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो अपने गोभक्त जुड़े हुए इन्हीं से उम्मीद करते हैं, इन्हीं के भावों को प्रबल करके, इन्हीं को जागरूक करके, और जहां पर गाय माता भूखी प्यासी या पीड़ित है, उनकी सेवा के लिए, उनकी भोजन चारे की व्यवस्था के लिए आम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और हम इसी कार्य को बढ़ाने के लिए भी आपने बताया, तो जहां जहां आपने यात्रा गई है सभी गो भक्तों को बोला है, वो इसमें राहत कार्य में लगे हुए हैं। लंपी वाली बीमारी के अंदर भी काफी लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और औषधियों के किट पैक करवा करवा कर अपने युवाओं को गांव गांव में भेजा गया है लंपी की बीमारी के लिए। तो अपना आम समाज को जागरूक करके, और हर कार्य सरकार के भरोसे छोड़ना भी एक गलत है। हम समाज जब तक जाएंगे कि नहीं, तब तक समाज में बड़ा परिवर्तन आ नहीं सकता केवल सरकार के भरोसे बैठने से। तो सरकार तो गुरुदेव यही कह के आई थी कि गौ की सेवा करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन दोनों ही काम अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। इसमें संत समाज क्या सोच रहा है? संत समाजों का मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसी के बारे में मुझे कुछ बोलने का अधिकार नहीं, वो पूजनीय आदरणीय, उनका चरण हमारे माथे पे है, मगर संत इस विषय में नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपना आश्रम है बहुत बड़ा, उनके पास अपने खुद का कुछ है। अगर किसी नेता के बारे में बोलेंगे तो उसमें आने वाला दान चंदा कुछ ना कुछ तो आता है और वो नेताओं से जुड़े व्यक्ति होते हैं। अगर कुछ बोलेंगे तो सीधा मामला यहाँ पर कि आश्रम में कहीं ना कहीं कटौती हो जाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं संत दबकर आगे नहीं आ रहे हैं। और अगला प्रश्न क्या था आपका? ये था कि ये सरकार आई भी तो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर गौ की सेवा करने की बात। चलो, हम हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, मगर क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ अभी बहुत सारा माहौल भी बन रहा है हिंदू राष्ट्र का, मगर क्या गाय को हत्या को बंद करवाने के लिए तैयार हो गए हिंदू राष्ट्र? तो हमें हिंदू राष्ट्र की, हम वैसे हिंदू है, मगर हिंदू के अंदर हिंदुत्व को जिंदा करने वाले जो तत्व है, अगर वो नहीं बचा तो ये हिंदू क्या काम का है? जिस प्रकार से औरत के पति को मरे हुए 15 साल हो जाएं और वो औरत 16 श्रृंगार करके घूमती है तो सुहागन नहीं कहलाएगी, इसी प्रकार से गौ के बिना हिंदू तो जिंदा रहेगा मगर उसमें हिंदू तो नहीं होगा। जिस प्रकार से विधवा नारी 16 श्रृंगार करके घूमती है, एक पति क्या बोलते हैं पति के होने का जो ढोंग रचती है, उसी प्रकार से बिना गाय के हम हिंदुओं की ऐसी स्थिति हो जाएगी और हो रही है। इसलिए सर्वप्रथम हमें गाय के लिए कदम उठाना होगा कि हमारी संस्कृति, हमारी आन बान, हमारी परंपरा सब कुछ गाय से जुड़ी हुई है। जी, बहुत बढ़िया, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी गो भक्तों को।
22 नवंबर से जो होने वाला 26 तारीख तक, उसके अंदर सभी को हृदय से निमंत्रण है, सब पहुंचे। एक बात है, इस कार्य को करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, कोई किसी पे ऐसा नहीं करा, ना मैं, ना आप पत्रकार, ना ये गोभक्त, ना कोई संत कर रहा। इस धरती पे जन्म लिया है, गाय हमारी माँ है, उसकी रक्षा और सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम हमारा कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हम ये करके किसी को एहसान नहीं करें, ना आप हम पे एहसान कर रहे हो, हम हमारे कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए हम सब एकजुट होकर इस गाय के नाम पर हम सब एकजुट होंगे और इस कार्य को पूर्ण करेंगे। अभी जो दिल्ली में होने वाला आयोजन, इसमें किसी संत का नाम नहीं है, ना किसी संगठन का नाम, ना किसी व्यक्ति का फोटो होगा, सिर्फ एक ही भगवा ध्वज और गाय माता, उसके बैनर तले सबको आना है। तो सभी उसमें पहुंचे और तन मन से जिस प्रकार से, तन से जैसा जिसमें सामर्थ्य उसके अनुरूप लोगों को जोड़े, और इस ये माने कि अंतिम एक धर्म महायुद्ध है। इसमें इतना विश्वास है कि एक बूंद रक्त किसी की बहाए बिना इस यज्ञ अनुष्ठान और साधना के बल से गौ की हत्या को बाहर से समाप्त करवाएंगे। बस आम जन सभी इसमें जुड़े और आप भी इस पुनित कार्य में अपनी आहुति प्रदान करें। जय गो माता, जय गुरुदास। ये गुरुदेव हमारे साथ जुड़े और बहुत विस्तार पूर्वक बताया कि देश की स्थिति क्या है और जो चर्चाएं आम दिन चलती हैं, जहां हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, साधु संतों की बात हो रही है, भगवान ध्वज की बात हो रही है, उन तमाम बातों पर इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि सच्चाई आखिर सच्चाई क्या है। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे हमारे वेब पोर्टल पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा पर्सन मनीष के साथ, धन्यवाद।